हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, कर्म दृष्टि मेरे चैनल का नाम है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए कमिंग वीक राशिफल लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं सभी के लिए बताती हूँ, आपकी लव लाइफ के लिए मैं सबके लिए ये कार्ड्स लेकर आती हूँ। आइए देखते हैं आपके लिए जो कार्ड्स इस बार आए हैं वो क्या कह रहे हैं आपके लिए, आपके सितारे क्या कह रहे हैं, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और आपकी आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो अवॉइड करना है। लीजिए हम शुरू करते हैं। कंप्लीशन, नथिंगनेस, बियॉन्ड इल्यूशन। आपके ये कार्ड्स कह रहे हैं कि पास्ट में पहले जो आप इतने दिनों से आपका जो टाइम निकल रहा है, कोई ऐसा काम है जो आप पूरा करना चाहते हैं पूरा नहीं हो पा रहा है। मीन्स यू आर फेसिंग प्रॉब्लम टू कंप्लीट योर वर्क और उसके कारण आपने अपने आप को अंधेरे के गर्त में डुबो दिया है। ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं। आपके जो जिससे भी आपका अफेयर चल रहा है या आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, जिससे आप लव करते हैं, वो पर्सन भी से भी आपका जो प्रेम है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो दैट मीन्स यू आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो। वहाँ से भी आपको बहुत डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इस कारण आपने अपने आप को बिल्कुल अंधेरे में डुबो दिया। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो प्रेजेंटली। दैट्स नॉट गुड फ्रेंड्स। मेष राशि, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। जो आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए हैं, ऐसे नहीं चलता है। जॉब में भी यदि प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप ऐसा कीजिए ना कि जो आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा काम, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और आपका जो कहीं आपके पर्सन आपसे नाराज हैं या किसी कारणवश वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो भी आप यू कैन अप्रोच। मैं जानती हूँ कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, पर वो क्यों नाराज़ है हमें नहीं पता। सडनली वो हमसे डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मन रे काहे न धीर धरे, आपको थोड़ा धैर्यवान होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। फ्यूचर जो आपका ये कार्ड, फ्यूचर का कार्ड बियॉन्ड इल्यूशन, ये बता रहा है कि आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपने सोचा नहीं। कुछ ऐसी खुशी आपके पास आने वाली है जो आपने सोची ही नहीं थी। आपके पार्टनर हो सकता है खुद ही आपसे मिलने आकर, हो सकता है आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम में हो या किसी काम में इतना उलझे हुए हों कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो टैरट कार्ड्स आपसे कह रहे हैं बिल्कुल खुश हो जाइए। यू विल गेट बियॉन्ड इल्यूशन, आपने सोचा नहीं उससे अधिक आपको मिलने वाला है। मैं देखती हूँ टैरट कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या एनर्जी टैरट कार्ड्स दे रहे हैं कि आपको अपने आने वाले समय में, अपने पार्टनर के साथ बिताने वाले समय में, उनके साथ आप अच्छा बीत जाए ऐसे समय के लिए। देखिए, आपके लिए अपने आप ही कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। दोस्तों, आपका जो कार्ड निकला है हीलर ऑफ द एजेस, एक्शन एंड कम्युनिटी। आपके ये जो तीनों कार्ड्स निकले हैं, ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ईश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए और एक्शन लीजिए। एक बार फिर से मेरे कहने पर अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि जिस भी कारण से वो आपसे कॉन्टैक्ट लेस हो गए हैं वो फिर से हो जाए। और आपको एक और बात कही जा रही है कि कम्युनिटी, आपको मिलजुल कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े अपने पार्टनर तक पहुंचने के लिए। जॉब में भी यदि आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मे बी पॉसिबल अपने जॉब के लिए भी आपको आपके बॉस की हेल्प लेनी पड़ सकती है, या कोई ऐसे आपके कर्मचारी हों जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके फ्रेंड हों जो आपको हेल्प कर सकते हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट पर्सन इवन इन द बिजनेस ऑल्सो। आपको मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ देख कर ही आगे बढ़ना है।
दोस्तों प्लीज़ डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है आपको, और आपको जैसे कि मैंने बताया है, हैव फेथ ऑन गॉड एंड टेक एक्शन। आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय।